ये लिखो कि दीज एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज, दीज एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज बिटवीन, शो प्रॉपर्टीज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. These elements show properties between S block and P block elements, and it is also placed between S and P block, and it is also placed between S and P block. It is also placed between S and P block. ठीक है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको क्यों कहते हैं वो देख लो, स्कूल में काम आएगा कि क्या लिखना है. तो वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. कॉन्फिगरेशन अपन शुरू कर रहे हैं. कॉन्फिगरेशन में पहला रिप्रेजेंटेशन है एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस वन टू टू. सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है एन माइनस वन डी 1 टू 10, मतलब अंदर वाला D और NS, बाहर वाला S. आउटर मोस्ट शेल अगर N है तो D में N-1 में इलेक्ट्रॉन आएंगे और NS 1 टू 2. जनरली S में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 4S हम पहले भरते हैं और 3D बाद में भरते हैं, तो D में एक एक करके भरेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर D में एंटर करता है तो वो मेटल किस या एलिमेंट किस ब्लॉक का कहलाएगा, डी ब्लॉक का ही कहलाएगा. ठीक है, अभी अपन कर भी लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में भी कॉन्फिगरेशन करेंगे. तो एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया. दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है एन माइनस वन डी टू पार एक्स एन एस टू द पार वाई. एक्स क्या है, डी में जितने इलेक्ट्रॉन है, और वाई क्या है, एस में जितने इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये एक्स और वाई हमें क्यों काम में आते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो हम 13th ग्रुप 14th ग्रुप ऐसा बोलते हैं, लेकिन ओल्ड जो है उसमें हम थर्ड है फोर्थ है, और अगर डी ब्लॉक है तो उसमें 1B 2B 3B ऐसे ग्रुप्स होते हैं. तो ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं ये हमें क्या पता करने में काम में आएगा कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल में 2B में है या 3B में है, एलिमेंट 6B में है या 8B में है, किस में है, वो ये काम आएगा. तो ये रिप्रेजेंटेशन से हम तीन चीजें देखेंगे. वो क्या कि अगर X की वैल्यू कम हो किस से, 6 से, ठीक है, तो ग्रुप जो होगा ग्रुप नंबर वुड बी X प्लस YB. अगर X की वैल्यू, X मतलब कौन है, D में जितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहला रहे हैं, X. अगर X की वैल्यू किस से कम हो, 6 से, तो ग्रुप नंबर क्या कहलाएगा, X प्लस YB. अगर X की वैल्यू 6, 7 या 8 हो तब ग्रुप नंबर हमेशा रहने वाला है 8B. और अगर X की वैल्यू ज्यादा है 8 से तब ग्रुप नंबर जो रहेगा दैट वुड बी YB. तो ये तीन चीजें लिख लो जो कि X और Y पे डिपेंड कर रही हैं. तो एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया N माइनस वन डी टू द पार एक्स एन एस टू द पार Y. Y is number of electrons present in outermost S shell and X is the number of electrons present in penultimate shell which is N outermost but 1, N minus 1. If X is less than what? 6. Then group number of the element would be X plus YB. If X value of X is 6, 7 or 8, group number will be 8B. That is fixed. And if the value of X is greater than 8, then the group number would be YB. मैं तुम्हें तीन एग्जाम्पल देता हूं. सपोज मेरे पास है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 21. इसका कॉन्फिगरेशन हम क्या लिखेंगे, 2882+1 लिखेंगे, क्योंकि हम पहले क्या भरते हैं 1s, फिर क्या भरते हैं 2s2p, फिर क्या भरते हैं 3s3p, फिर क्या भरते हैं 4s, और फिर क्या भरते हैं 3d. तो 4s के बाद कौन आता है, 3D. इसलिए मैं थर्ड शेल में तो भर रहा हूं, लेकिन 4S के बाद भर रहा हूं, इसलिए यहां पे क्या लिख रहा हूं, प्लस 1. तो 21 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 8 10 प्लस 8 18 प्लस 2 20 प्लस 1
21, ठीक है। तो यहां पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसका अगर मैं वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसमें क्या लिखूंगा, 3d1 4s2, ये 288 तो सभी में कॉमन रहेगा। मुझे वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन देखना है, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो वैलेंशियल में मैं क्या क्या लेता हूं, बाहर वाला s और उसके अंदर वाला d, उस अंदर वाले के s और p नहीं लेते हम, 3s और 3p वैलेंशियल में नहीं लेने। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा, बाहर वाला s और उसके अंदर वाला d सिर्फ, ठीक है। तो हम हमेशा 4s पहले भर रहे हैं और फिर 3d भर रहे हैं। अब 3d1 है तो इसमें x क्या हो गया, 1x1 हो गया, विच इज लेस देन 6, तो ग्रुप नंबर क्या होना है, एक्स प्लस वाई भी, एक्स कौन है 1, वाई कौन है 2, तो एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या हो गया 3, तो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर क्या हो गया 3b। तो अपने को पीरियोडिक टेबल याद नहीं भी रहे तो भी ग्रुप नंबर डी ब्लॉक में आ जाएगा। दूसरी बात, इसी पे क्वेश्चन अगर बेस्ड आ गया कि साहब 3d1 4s2 है या कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आ गया और इसी पे बेस्ड हो गया कि x की वैल्यू, इसी इस नोटेशन पे ही क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है कि कब ग्रुप नंबर x प्लस वाई भी होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब x की वैल्यू 6 से कम हो तब ग्रुप नंबर क्या रहेगा, x प्लस वाई भी। एंड व्हाट इज x, x इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर d, ठीक है। तो d सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वही हमें क्या बताएंगे, ग्रुप नंबर। सपोज मेरे पास Fe है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा पहले यही वाला लिख देता हूं, 2882 प्लस क्या 6, 2810 प्लस 818 प्लस 2 20 प्लस 6, ठीक है। अब इसका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये 3d6 और क्या कहलाएगा 4s2। अगर x की वैल्यू 6 से कम है तो ग्रुप नंबर होता है x प्लस वाई भी, लेकिन अगर x की वैल्यू 6, 7 या 8 में से कोई है तो ग्रुप नंबर फिक्स है क्या 8 भी। इसलिए मेरे पास आयरन जो है वो किस ग्रुप का मेंबर हो गया, 8b का मेंबर हो गया। इसी में अगर मेरे पास निकल है तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2882 प्लस 8। अब यहां पे वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो वो क्या कहलाएगा 3d8 4s2। अब इसमें x की वैल्यू अगेन क्या है 80 है, तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या रहेगा 8 भी, तो Fe का ग्रुप नंबर भी 8 भी है और निकल का ग्रुप नंबर भी 8 भी है। तो हम देखते हैं कि आयरन, कोबाल्ट और निकल ये तीनों के तीनों कौन से ग्रुप में रहते हैं, 8b में ही रहते हैं, तो इससे भी याद रहेगा हमें, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिख लो किसका, स्कैंडियम का, एक एग्जाम्पल लिख लो Fe का, चाहो तो Ni का भी लिख लो, और लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं जिंक का। जिंक का एटॉमिक नंबर है कितना 30 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2882 प्लस 10, तो इसमें वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d10 4s2। अब यहां पे x की वैल्यू 8 से ज्यादा है तो ग्रुप नंबर क्या होना चाहिए सिर्फ y भी, और यहां पे y कौन है 2, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया 2b, तो जिंक बिलोंग्स टू विच ग्रुप 2b। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। और जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंशियल का वो क्या है n-1d1-10 ns-1-2। एग्जाम्पल स्कैंडियम का ले लो, आयरन का ले लो, निकल का ले लो और जिंक का, ये चारों एग्जाम्पल्स लिख लो, इसमें से हमारा ग्रुप कवर हो जाते हैं। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो याद रखना ही है n-1d1-10 ns-1-2। और n-1dx ns-y में x इफ लेस देन 6 देन ग्रुप नंबर वुड बी x प्लस वाई भी, इफ x इक्वल्स टू 6, 7, 8 देन ग्रुप नंबर वुड बी 8b, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 8 देन ग्रुप नंबर इज yb, ठीक है। और d ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जो हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे वो किसके लिए डिस्कस करेंगे, 3d सीरीज के लिए, जो फर्स्ट d ब्लॉक की सीरीज है उसके लिए हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे।
और 4D और 5D जो सीरीज है वो ऑलमोस्ट उनकी प्रॉपर्टीज वैसी ही रहेंगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास आया एटॉमिक साइजेस, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइजेस। एटॉमिक साइजेस में पहले जरा एक बात मतलब पहले समझेंगे अपन और फिर लिखना। 3D सीरीज हम लिखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, इसमें वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D1, 4s2, इसमें 3D2, 4s2, इसमें 3D3, 4s2। क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस होता है जो कि क्या होता है, 3D5, 4s1, और 4s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसलिए आ जाता है क्योंकि 3D5 क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, और हाफ फिल्ड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, फिर Mn में कन्वेंशनली रहता है 3D5, 4s2, आयरन में 3D6, 4s2, कोबाल्ट में 3D7, 4s2, निकल में 3D8, 4s2, और कॉपर अगेन इज एन एक्सेप्शनल केस जिसमें 3D10, 4s1, और जिंक रेगुलर केस है 3D10, 4s2। और इन दो केसेस के लिए ही हम क्या बोलते हैं, N-1D1-10 और NS-1-2-2। 1-2-2 इसलिए लिखना पड़ता है कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में S में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी S में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में क्या है, 2। इसलिए हम NS-2 हमेशा नहीं लिख सकते क्योंकि ये दो एक्सेप्शनल केस हमारे पास होते हैं, इसलिए NS-1-2-2। तो 3D सीरीज में इन दोनों में 4s1 है और बाकी सब में आउटर मोस्ट में क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में साइजेस का हमें अगर स्टडी करनी है तो सबसे पहले देखना कि हमने पीरियोडिक टेबल में एक जनरल रूल क्या पढ़ा है। वो जनरल रूल ये पढ़ा है कि नीचे आने पर एटॉमिक साइज हमेशा क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। इसलिए Li हो, Na हो, K हो, Rb हो, Cs हो, Fr हो, फर्स्ट ग्रुप या कोई भी ग्रुप लेंगे तो नीचे आने पर साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। 2-1 है और इसका 2-8-1 है, तो इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल होंगी, इसमें 5 शेल होंगी, तो साइजेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और एज अ जनरल रूल हमने पढ़ा है कि साइज लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होते हैं, हम ये कहते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ शेल्स जो है वो तो सेम होती है, कांस्टेंट होती है। कैसे, कि इसमें भी कितनी शेल्स है, 4, टाइटेनियम में भी कितनी शेल्स है, 4, वेनेडियम में भी कितनी शेल्स है, 4, तो इन सारे ही एलिमेंट्स में शेल्स तो 4 ही है, लेकिन यहां पे प्रोटॉन कितने, 21, यहां पे प्रोटॉन कितने, 22, यहां प्रोटॉन कितने हो गए, 23, तो शेल्स तो उतनी है और प्रोटॉन्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो साइज क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये हम पीरियोडिसिटी में हमेशा पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हो तो प्रोटॉन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है साइज, और उन प्रोटॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। याद आया क्या, प्रोटॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो जब शेल्स का नंबर कांस्टेंट हो, तो अगर प्रोटॉन्स ज्यादा है या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे पीरियोडिसिटी में हम हमेशा जनरल रूल ये पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अब कई बार अपन देख चुके NA, MG, AL, SI, PS और CL, हम कहते हैं कि साइज डिक्रीज होता जाता है, साइज डिक्रीज होता जाता है।